देश दुनिया की हर वड्डी खबर के लिए हुणे डाउनलोड करो नंबर 1 न्यूज़ ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स। इस वेले दी अहम खबर जिथे एक पासे दिल्ली दे बार्डरां दे उपर पंजाब दे किसान डटे होए ने तां उत्थे अज गुजरात पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने उत्थों दे कुछ पंजाबियों दे नाल मुलाकात कीती है। गुजरात दे कश दे विच विकास प्रोजैक्टां दा उद्घाटन करन लई पीएम मोदी पहुंचे सन जिथे कुछ पंजाबी किसानां दे नाल उन्हां दी गलबात हुई है। इस दौरान इन्हां पंजाबियों ने पीएम मोदी नूं की कहा ते उसका मोदी दे वल्लों की जवाब दिता गया, इस बारे पूरी जानकारी देण लई दैनिक सवेरा दे पत्रकार रिमांशु गाबा दे वल्लों गलबात कीती गई। उत्थों दे जिला सरपंच संगठन दे प्रधान विक्रम सिंह दे नाल। विक्रम सिंह जी, अज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तुहाडे नाल मुलाकात कीती, पंजाबी लोकां नाल मुलाकात कीती जो कच्छ च रह रहे सीगे, किवें मुलाकात हुई है, किन्ने लोग सीगे तुसीं और की कहा प्रधानमंत्री मोदी ने और तुसीं की उन्हां दे अग्गे अपनी गल रखी है? जी, उन्होंने हमारे यहाँ के हमारे जो भाई है पंजाबी जी, यहाँ के फार्मर है और हरियाणा के जो फार्मर है जी, उनसे सब खेड़ों ने उनकी शुभेच्छा मुलाकात ली है जी, और मोदी जी को बहुत बहुत बधाई भी दी है जो इतना वो कच्छ का ख्याल रख रहे हैं जी। किन्नी देर की मुलाकात सीगी तुहाडी प्रधानमंत्री मोदी दे नाल जी? कितनी देर की मुलाकात सीगी, कितना समय आपको मिला उनके साथ मुलाकात करने के लिए? हमारा वहाँ 20-25 मिनट टाइम था हमारा, 20-25 मिनट का। सारे पंजाबी लोग सीगे, पंजाबी मूल के लोग सीगे, लखपत से आए हुए थे जी, और हमारे अबड़ासा से आए हुए थे जी, और नखतराणा से भी आए हुए हैं जी, कुछ किसान लोग हैं मांडवी से भी आए हुए हैं जी, पंजाबी लोग थे सारे। हाँ, पंजाबी और हमारे हरियाणा कच्छ के लोकल भी थे, पटेल लोग थे, क्षत्रिय खेड़ थे, मुस्लिम भी खेड़ थे। विक्रम सिंह जी, पंजाबी लोगों नाल मुलाकात की, एक पासे जो पंजाब दे लोग दिल्ली दे विच अंदोलन कर रहे ने, मोदी सरकार दे खिलाफ संघर्ष कर रहे ने, उस दौरान पंजाबी लोगों दे नाल प्रधानमंत्री मोदी ने मुलाकात की थी, की जो अंदोलन छिड़ रहा हुआ है, अंदोलन नूं लैके कोई गलबात हुई प्रधानमंत्री मोदी दे नाल तुहाडे लोगों दी? नहीं, लोगों ने ऐसा बोला कि ये जो आंदोलन कर रहे हैं वो राजकीय स्टंट है, इसमें खेडूतों का कुछ नहीं है, खेडूतों के लिए तो जो भी है वो फायदे में है, और सरकार ने हमेशा खेडूतों का हित किया है, और दिल्ली सरकार और गुजरात सरकार तो हमेशा यहाँ के खेडूत को बहुत महत्व दे रही है, खेडूत की बहुत ध्यान रख रही है। पंजाबी लोग की ड्रामा क्यों दस रहे हैं, क्योंकि गुजरात च रहना है इस करके? देखो, वो पंजाब के खेड़ उनका अपना इश्यू होगा, यहाँ के जो यहाँ पे पंजाबी है, यहाँ पे जो हरियाणा के खेड़ है उनको कोई सरकार से दिक्कत नहीं है, नहीं तो केंद्र सरकार से दिक्कत है, नहीं तो गुजरात की सरकार है। जो तुम गलबात की प्रधानमंत्री मोदी ने की जवाब दिता सीगा, की सोच सी, उन्होंने की दसिया की अंदोलन जो चल रहा उन्होंने किवें हैंडल करेंगे, कुछ उस बारे दसिया उन्होंने? जी, ऐसी कोई बात नहीं है, जो कच्छ का जो विकास हो रहा है, यहाँ का जो किसान खुशहाल है, उसी से बात हुई है। विक्रम सिंह जी, मेरा एक प्रश्न ये भी है कि जब आप लोगों ने आंदोलन को लेकर के कोई चर्चा छेड़ी होगी, क्या उस टाइम पे कोई बात प्रधानमंत्री मोदी ने भी कोई शब्द बोले होंगे, जरूर जवाब भी कुछ दिया होगा, वो जवाब क्या था? जी सर जी, हमारा कोई आंदोलन से लेना देना नहीं है, हम तो खुशहाल है यहाँ कच्छ और गुजरात में, हमारे किसान बहुत यहाँ पे बहुत हमको मदद मिल रही है गुजरात सरकार से, केंद्र सरकार से, हमारा कोई सरकार से कोई खिलाफ है नहीं। पंजाबी लोगों को लेकर के उन्होंने कुछ स्पेशल कोई बात की होगी पंजाब के लोगों को या पंजाबी लोगों को लेकर के? यहाँ पे हमारा जो गुरुद्वारा है लखपत में जो गुरुद्वारा है, यहाँ गुरु गोविंद सिंह ठहरे थे, वहाँ यहाँ पे बहुत बड़ी ग्रांट केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने दी हुई है, और पूरा डेवलप किया गया है अभी लखपत को, गुरुद्वारे को, उसको भी टूरिज्म में भी समाया गया है, तो बहुत सारे हमारे पंजाबी भाई भी आते हैं, पंजाब से आते हैं, कोई हरियाणा से आता है तो यहाँ पे माथा टेकता है, और एक भाईचारा बना हुआ है, और सरकार और प्रजा के बीच में बहुत अच्छी समझ रहे हैं यहाँ पर। मतलब जब आप लोग बात कर रहे थे या आंदोलन को लेकर के भी कोई एक दो मिनट बात हुई होगी पंजाबी लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी से बात की होगी, जब आप लोगों ने कहा कि ये पॉलिटिकल ड्रामा लग रहा है, तो प्रधानमंत्री मोदी ने उस पर कोई भी टिप्पणी नहीं की या कोई जवाब नहीं दिया? नहीं, वो जो कच्छ का जो विकास है उसकी बात हुई है, जितना कच्छ का विकास किया है, यहाँ का किसान जो है इतना प्रगति कर रहा है, और हमारा यहाँ खेती का डेवलपमेंट थैंक्स फॉर पंजाब और हरियाणा, पंजाब के खेड़ यहाँ पे आए हैं और नई नई तकनीकें लेके आए हैं, डेवलपमेंट लेके आए हैं खेती के अंदर, और बहुत अच्छी खेती चल रही है अभी हमारे यहाँ। ये ऐसा माना जा सकता है कि जिस टाइम पे पंजाब के लोग प्रधानमंत्री मोदी की सरकार का विरोध कर रहे हैं, बड़ी संख्या में लोग आंदोलन कर रहे हैं दिल्ली में जाकर के, तो क्या इस टाइम ये एक पॉजिटिव मैसेज प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से दिया गया होगा कि वो पंजाबी लोगों से मुलाकात कर रहे हैं,
20-25 मिनट उन्होंने अपने समा दिया पंजाबी लोगों को, तो ये क्या कोई पॉजिटिव मैसेज देना चाहते हैं पंजाब के लोगों को या पंजाबियों को? जरूर जरूर, पंजाब के लोगों को ये मैसेज जो भेज रहे हैं, हम यहाँ के किसान की जो सरकार है, केंद्र सरकार अपना पूरा देश आज बहुत ही पूरा देश के लिए कर रहा है, किसान के लिए कर रहा है, मजदूर के लिए कर रहा है। गलत किसी पार्टी दूसरे पक्ष जो है वो उसके लिए कोई बहाना है नहीं कि मात्र ये किसानों के नाम पे जो बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया है। और कोरोना के इसी खतरे में बहुत सारी भीड़ हम देख रहे हैं, न्यूज में भी देख रहे हैं, तो ये भी देश के लिए खतरे की बात है। ऐसे समय में आंदोलन नहीं करना चाहिए, हमारी यही सीख है। कच्छ के गुजरात के खेडूतों का हमारा, दूसरे राज्यों के खेडूतों से हमारा नम्र निवेदन है कि ऐसे कोरोना की महामारी में, कोविड की परिस्थिति में बहुत सारी बहुत संख्या में आप इकट्ठे न हो। तो आप कितने कितने लोग थे जिन्होंने मुलाकात की, पंजाबी लोग कितने थे अगर हम एक अंदाजा लगाएं? हाँ, हमारे साथ लगभग 90 से 110 के करीब सब पंजाबी हरियाणा चौधरी थे, पंजाब और हरियाणा के लोग थे, फार्मर भी थे, 300 से 350 फार्मर थे लोकल भी। तो जो लोकल फार्मर है उन्होंने क्या नए कानूनों को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी के साथ अपनी कोई राय रखी थी आगे? नहीं सर, वो तो जो भी अभी अच्छा जितना डेवलप है उसी के बारे में बात की, और सब पूरा जो हमारा किसान बिल है उससे पूरा संतुष्ट है हमारे कच्छ और गुजरात का खेडूत। ये बात फिर कच्छ के किसानों ने प्रधानमंत्री मोदी को बताया कि वो संतुष्ट है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। पूछ रहे थे मोदी जी ने, नहीं पूछा, मीडिया वाले पूछ रहे थे, लोकल मीडिया वाले पूछ रहे थे, तो उसको बताया कि हम संतुष्ट है पूरा। मैं आखिर में एक बार फिर यही सवाल दोहराना चाहता हूँ कि क्या प्रधानमंत्री मोदी ने कोई बातचीत नहीं की कोई आंदोलन को लेकर के, कोई किसान बिलों को लेकर के, कि उनका क्या जवाब था या उनके कोई प्रश्न नहीं थे आप लोगों के साथ? नहीं नहीं सर जी, कोई नहीं। यहाँ पर पूरा कच्छ का जो डेवलप किया है, जो हमारा कच्छ में कुछ नहीं था, कच्छ में सब कुछ है थैंक्स फॉर मोदी जी। 20-25 मिनट में उन्होंने किसान आंदोलन की कोई बात नहीं की? जी नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, दैनिक सवेरा टीवी। ऑल वर्ल्ड ओपन चैलेंज, 17-टाइम गोल्ड मेडलिस्ट मियां रफीक मोहम्मद, पंडित, मौलवी, बेगम, तांत्रिक, इन चोरा ठगा तो सावधान। स्पेशलिस्ट वशीकरण, सट्टा नंबर, लव मैरिज, पति पत्नी च अनबन, विदेश च पक्का होना, कारोबार दा ना चलना, सिर्फ 31 घंटिया विच समाधान। फ्री 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 मियां रफीक मोहम्मद, मोबाइल 84374 94647, 84374 94648।